क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ये चीज़ नहीं बताते हैं, क्योंकि भाई वो कॉपी पेस्ट कंटेंट है, उसको किस तरीके से मोनेटाइज करना है नहीं करना है ये चीज़ की जानकारी बहुत कम लोग देते हैं। फेसबुक पर कॉपी पेस्ट कंटेंट अपलोड करने के बाद क्या फेसबुक हमारे पेज को इजिली मोनेटाइज कर देता है जिससे हम पैसे कमा सकते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ये चीज़ नहीं बताते हैं, सिर्फ आपको ये बताते हैं कि वहाँ से वीडियो उठा के अपलोड करो और वहाँ से वीडियो उठा के अपलोड करो, और ऐसा बहुत लोग करते भी हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो कॉपी पेस्ट कंटेंट है, उसको किस तरीके से मोनेटाइज करना है नहीं करना है ये चीज़ की जानकारी बहुत कम लोग देते हैं। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि फेसबुक पर कॉपी पेस्ट कंटेंट को किस तरीके से मोनेटाइज किया जाता है, क्या इसका कोई ट्रिक्स है, क्या इसका कोई तरीका है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर ऐसे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं जिसके बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कहां से वीडियो को उठा करके फेसबुक पर अपलोड करना है, किस तरीके से आप वीडियो को एडिट करोगे जिससे फेसबुक पर आपको कॉपीराइट का इशू बिल्कुल भी ना आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आया हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि फेसबुक पर कॉपी पेस्ट कंटेंट को किस तरीके से मोनेटाइज किया जाता है, क्या इसका कोई ट्रिक है या फिर नहीं। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों फेसबुक का मोनेटाइज सिस्टम और यूट्यूब का मोनेटाइज सिस्टम ये दोनों अलग अलग है, ठीक है ना, काफी अलग है। क्योंकि YouTube में क्या होता है कि जब हम अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं उसमें जो वॉच टाइम आता है, आप देखो YouTube पर मान लो कि आपका एक वीडियो है, उस वीडियो पर अच्छे खासे वॉच टाइम आए हुए हैं, अगर आपने उस वीडियो को डिलीट कर दिया तो वो वॉच टाइम भी गायब हो जाएगा। लेकिन Facebook में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, Facebook में अगर आप अपने सब वीडियो को डिलीट कर भी दोगे ना, फिर भी आपका वॉच टाइम नहीं घटेगा। ये सबसे अच्छी चीज है फेसबुक की। ठीक है दोस्तों, देखो फेसबुक पर आपको 5000 फॉलोअर्स और 60000 मिनट को कंप्लीट करना होता है, उसके बाद आपके फेसबुक पेज पे इन स्ट्रीम एड का ऑप्शन इनेबल हो जाता है, फिर उसको आप मोनेटाइज कर सकते हैं। लेकिन कैसे? देखो सबसे पहले अगर आप फेसबुक पर कॉपी पेस्ट कंटेंट को अपलोड करना चाहते हो या फिर आप कर चुके हो, तो आपको सबसे पहले फॉलोअर्स बढ़ाने पर ध्यान देना है और मिनट बढ़ाने पर, 60000 मिनट और 5000 फॉलोअर्स आपको कंप्लीट करना है सबसे पहले कॉपी पेस्ट से। उसके बाद जब आपका ये चीज कंप्लीट हो जाएगा, देखो हर आदमी इसी तरीके का यूज करता है, इसी ट्रिक का यूज करता है फेसबुक पर, जितने भी लोग कॉपी पेस्ट से पैसा कमा रहे हैं वो सब के सब इसी ट्रिक का यूज करते हैं, तो आप भी इस काम को कर सकते हो। लेकिन कोई जल्दी से बताता नहीं है कि किस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो चलो मान लो कि आप अपनी वीडियो को अपलोड कर रहे हो रेगुलर, आपका फॉलोवर्स भी कंप्लीट हो गया और आपका मिनट भी कंप्लीट हो गया 60000 मिनट का, ठीक है ना, जिसको आप वॉच टाइम भी बोल सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सारे वीडियो को डिलीट कर दो, जो भी आपका वीडियो वायरल हुआ है, जिससे फॉलोवर्स मिले हैं, जिससे वॉच टाइम मिला है फेसबुक में, उन सारे वीडियो को डिलीट कर दो। कर दिया, अब ये बात सोच करके आप घबराना मत कि मैं वीडियो को डिलीट कर दूंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो आपका फॉलोवर्स कम होगा और ना ही आपका वॉच टाइम जो 60000 मिनट कंप्लीट करने होते हैं वो भी कम नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको लाइव करना है, या तो आप खुद का लाइव कर लो, कम से कम 5 से 7 लाइव आपको करना है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे तक का लाइव आपको करना है। लाइव में क्या दिखाना है, कुछ भी नहीं। मान लो कि आप गांव में रहते हो, विलेज में रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो आपको क्या करना है, बैक कैमरा ओपन करना है और बस लाइव करना शुरू कर देना है। खेतों को दिखाओ, जंगल को दिखाओ, पेड़ पौधे को दिखाओ, इसी चीज को दिखाना है आपको। मतलब हर दिन एक लाइव आपको करना है, या तो 15 मिनट की या फिर 10 मिनट की, ठीक है ना। चाहो तो आप अपना फेस भी दिखा सकते हो, नहीं तो आप खेत वगैरह भी दिखा सकते हो, ठीक है ना, और पार्क वगैरह भी दिखा सकते हो। इस तरीके से आपको 5 लाइव कंप्लीट कर देना है और छोड़ देना है। 20 से 25 दिन के बाद आपका फेसबुक का पेज मोनेटाइज होने के लिए इलिजिबल हो जाएगा, आपको वहां पर दिख जाएगा मोनेटाइजेशन सेक्शन में, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने पेज को मोनेटाइज कर सकते हैं, और एक बार अगर आपका फेसबुक का पेज मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद आप रेगुलर अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हैं जैसे कि आप पहले कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। लेकिन वो वीडियो नहीं जो डिलीट कर चुके हैं, नया और फ्रेश वीडियो बना करके, ठीक है ना। तो अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो 100% आपका फेसबुक का पेज कॉपी पेस्ट कंटेंट से मोनेटाइज हो जाएगा, कोई इसको रोक नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। और सब के सब इसी ट्रिक से अपने फेसबुक के पेज को मोनेटाइज करवाते हैं और फिर लाखों रुपए उससे कमा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और काफी जानकारी आपको मिला होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो में कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में और सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करना, ताकि जो लोग कॉपी पेस्ट कंटेंट बनाते हैं उनको भी ये पता चल पाएगा कि किस तरीके से हम फेसबुक के पेज को मोनेटाइज करवा सकते हैं जो कॉपी पेस्ट कंटेंट होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही प्यार बनेंगे। थैंक यू।